नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि बीते दिन कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है वन नेशन वन इलेक्शन। ऐसे में हमारे साथ आज के खास मेहमान है, चर्चा को लेकर हमारे साथ है बीजेपी से प्रभात मलाकार जो प्रदेश मीडिया प्रभारी है, वहीं अमरेंद्र कुमार है जो प्रदेश छात्र राजद के उपाध्यक्ष है, वीरेंद्र राय जी है जो जन सुराज से किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष है, और आनंद कंद जो वार्ड पार्षद है। इन सभी से जानेंगे कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार का निर्णय लिया गया है, हालांकि अभी ये जो बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होना बाकी है, विपक्ष इस पर कितना सहमत जताता है ये भी देखने की बात होगी। लेकिन सबसे पहले बातचीत करेंगे प्रभात जी से। प्रभात जी, आप लोग की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के पूरी तरह से तैयारी कर ली है, अब तो लोकसभा में जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कार्यकाल के मैनिफेस्टो में यह अंकित था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है, जिसके तहत यह वन नेशन वन इलेक्शन अभी कमेटी से पास हो गया है, राज्यपाल के यहाँ से मंजूरी मिल गई, और यह जो सत्र अभी अक्टूबर नवंबर में जो सत्र होने अगर होंगे तो उस दौरान यह लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति जी के आदेश से यह बिल पारित होगा। और वन नेशन वन इलेक्शन भारत जैसे देश के लिए बहुत ही जरूरी, एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ, अगर आज बंगाल में चुनाव है, कल आसाम में चुनाव है, परसों बिहार में चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव है, तो एक तो देश पर जो अर्थव्यवस्था पर आर्थिक बोझ पड़ रही थी वो आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। दूसरा क्या है कि पूरे देश में वन वोटर वन इलेक्शन कार्ड बनेगा, मतलब आप पूरे देश का वोटर का मतलब हर चुनाव का एक ही कार्ड रहेगा, और साथ ही साथ जो लोग मान लीजिए कि अपने राज्य से दूसरे राज्य में या दूसरे जिलों में या विदेशों में जाकर नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, वो लोग कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी नगर पंचायत, कभी वार्ड इलेक्शन के नाम पे उनको आ पाते थे या नहीं आ पाते थे, वो अपना वोट देने से वंचित रह जाते थे, वैसे लोग एक बार आएंगे और एक सभा वो लोकसभा में वोट डालेंगे, विधानसभा में वोट डालेंगे, और जैसा कि कुछ दिन को बाद जो है वार्ड का और नगर पंचायतों का भी चुनाव, मतलब जो इलेक्शन होगा उससे 8-10 दिन, हाँ ये जरूर है कि कुछ राज्यों में जब ये पारित होगा तो कुछ राज्यों के 3 साल ही कार्यकाल बचेंगे, 2 साल ही, जैसे बिहार का अगर अभी कार्यकाल चुनाव होगा और 2029 से अगर यह लागू होता है तो बिहार का अगला कार्यकाल सिर्फ 3 साल के लिए ही बचेगा, लेकिन इससे देश की जनता को बहुत ही लाभ होगा। राजनीतिक शुचिता में यह बहुत ही एक क्लियर विजन है, साथ ही साथ आप देखे हुए कि वन नेशन वन इलेक्शन में देश की 32 पार्टियां इसमें समर्थन में है, और कुछ पार्टियां अभी उनको यह जो है सो सब मतलब ये इस पर विचार कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर वन इलेक्शन भारत के लिए बहुत ही जरूरी। राजद के हैं अमरेंद्र जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कोई आज की घटना नहीं है, इससे पहले भी 1952 से लेकर के 57, 62 और 67 तक वन नेशन वन इलेक्शन होती थी, लेकिन उसमें तमाम तरह के कमियां हो जाती थी जिसके कारण उसको दूर करके अलग अलग राज्यों के साथ अलग अलग लोकसभा विधानसभा का चुनाव कराना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी जनता से हमेशा दूर रहना चाहती है, इसीलिए नहीं चाहती है कि बार बार हमको जनता से मिलना पड़े, इसीलिए एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन करा करके एक ही साथ वो चाहती है कि विधानसभा और लोकसभा मिला करके हम एक बार मिल ले, और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को ख़त्म करके जनता के मूलभूत सुविधाओं को वंचित रखना चाहती है, इसीलिए ऐसा कर रही है। भारत में अभी वन नेशन वन इलेक्शन के बदले में वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन वेल्थ और वन शिक्षा स्वास्थ्य होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जनता की मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना चाहती है, इसीलिए ऐसा करती है। जनता को चाहिए कि जैसा प्रधानमंत्री, जैसा मुख्यमंत्री, जैसा सांसद, लोकसभा, विधानसभा के सदस्य इलाज कराते हैं वहाँ जनता का इलाज हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही नहीं है कि इस तरह का हो, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन करा करके जनता के को गुमराह करना चाहती है। तो वीरेंद्र राय जी क्या कुछ कहेंगे, ये कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, अब लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास होना है। भारत तो ऐसे ही गरीबी से जूझ रहा है पूरे दुनिया में, ऐसी परिस्थिति में छोटे छोटे देश जितने हैं उनका तो जितना बजट होता है उतना हमारे देश में चुनाव पर खर्चा हो जाता है,
गरीब देश में इतना एक्सपेंस होना और इतना बड़ा बजट, जो कम से कम अरबों खरबों का बजट होता है, इससे एक विकास का काम आसानी से चल सकता है। हम चाहेंगे कि एक साथ सारा चुनाव हो जाए, ताकि जो लोग बाहर से भीतर से आने जाने वाले लोगों को परेशानी न हो, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों और प्रतिनिधियों से भी मैं चाहूँगा और तमाम पॉलिटिकल लोगों से भी चाहूँगा कि एक क्षेत्र एक कैंडिडेट भी लागू कराइए, कि एक आदमी 5 गो क्षेत्र से लड़ता है, 4 गो क्षेत्र से लगता है और फिर हार जाता है, फिर वहाँ लड़ता, पंचायत में लड़ता, नगर निगम में लड़ता, वहाँ भी लड़ता, इस पर भी अंकुश होना चाहिए। और वन नेशन वन इलेक्शन के हम समर्थन में हैं। छोटा छोटा देश का जो बजट होता है, कृषि का बजट जो उतना है भारत में, उतना तो खर्चा हमारे देश का हो जाता है सिर्फ चुनाव में, तो एजुकेशन पर बजट बढ़े और एग्रीकल्चर पर बजट बढ़े, इसका आधुनिकीकरण हो उस पैसे से, तो देश का विकास हो सकता है। वार्ड पार्षद है, क्या कहेंगे, पंचायत स्तर भी अब वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा, इसका कितना समर्थन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कोई भी प्रतिनिधि जब चुन के आते हैं तो उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और आपको बताते चलें कि हम लोग जब चुनाव 30 दिसंबर 2022 को जीते थे, इसके बाद से ही देखे थे कई तरह की चुनाव, लोकसभा चुनाव आ गई थी, तो उसमें सारा काज बाधित हो जाता है आचार संहिता के कारण। अगर समझ लीजिए फिर आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, और ये विधानसभा का जैसे ही चुनाव होगा फिर आचार संहिता लग जाएगी और फिर सारा विकास के कार्य बाधित हो जाएंगे। नहीं, हम इस आचार संहिता में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो समस्या ये है, अब समझ लीजिए कि कोई प्रतिनिधि अगर 5 साल के लिए चुन के आता है, अगर उसके कार्यकाल में अगर 4 इलेक्शन हो जाए तो समझ लीजिए 24 महीने का समय उसका ऐसे ही ख़त्म हो गया। वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मैं समर्थन करता हूँ, ये ज़रूरी भी है, और ये होने से बहुत सारे खर्च जो है बचेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि बहुत सारे खर्च भी होते हैं इलेक्शन करवा लेना, इसके पीछे बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारे और सारे आर्म फोर्सेस जो हैं उनके पीछे बहुत सारे रुपया खर्च होता है, बहुत सारे एम्प्लॉय को डेपुटेट करना पड़ता है इधर से उधर। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो, तो यहाँ पर देखिए कि कुछ लोग का सहमति है। प्रभात जी, राजद वाले का कहना है कि आप लोग जो है जनता से दूर होना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार का ये बिल लाए। अभी विधानसभा का सत्र चला, कहाँ थे तेजस्वी यादव? अभी मुजफ्फरपुर में समीक्षा करके गए, उसके बाद फिर इनका विदेश का टिकट है, कितने कार्यकर्ताओं से ये अनदिना मिलते हैं, तो जनता से कौन दूर है? इनके जो राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं, 1997 राष्ट्रीय जनता दल बना, आज 2024 में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके वही हैं। तो जो पार्टी अपना 27 वर्षों में अध्यक्ष नहीं चुन सकी दूसरा, जो पार्टी जब मौका मिलता है तो नेता प्रतिपक्ष खुद तेजस्वी यादव बन जाते हैं, दूसरा मौका मिलता है तो विधान परिषद के नेता खुद राबड़ी देवी जी बन जाती हैं। तो क्या कोई और यादव या कोई और नेता राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है क्या? तो कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय जनता दल बिहार से पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी का देखा देखी सदस्यता चालू की, कुछ होना नहीं है, इनके सदस्य कौन है और इनका कारोबार क्या है, इनका व्यवसाय क्या है, इनका व्यापार क्या है, और क्या राष्ट्रीय जनता दल ने 15 वर्षों का दंश बिहार वासियों को झेलाया है, इससे बिहार की जनता भूल नहीं सकती। चाहे 59 नरसंहार हुए, और उस 15 सालों के कार्यकाल में अगर सबसे ज़्यादा आप देखिएगा कि बिहार से बाहर जाने वालों की संख्या, लोग कहते हैं कि बिहार में पैसा नहीं है, व्यापार नहीं है, रोजगार नहीं है, उद्योग नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पलायन करने वालों की संख्या हुई तो वो 90 से 2005 के दशकों के बीच में हुई। क्यों हुई? तो भारतीय जनता पार्टी तो 30 दिन 24 घंटा जनता के संपर्क में रहती है। आज मैं यहाँ पटना छोड़ के मुजफ्फरपुर हूँ, आज भी पीजी आपको पीएमसीएच का 2 मरीज का भर्ती का वो उसको लगा हुआ कि कैसे उनको इमरजेंसी वार्ड मिले नहीं मिले। तो भारतीय जनता पार्टी 30 दिन 24 घंटा हम लोग सेवा के माध्यम से, अभी पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस मनाया जा रहा है, हम वो नहीं हैं जो हेलीकॉप्टर में केक काट कर जन्मदिन मनाते हैं, हम वो हैं जो मरीजों को फल बांट कर, स्कूल कॉलेज में स्वच्छता अभियान कराकर, मरीजों के लिए रक्तदान करके जन्मदिन मनाते हैं। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए ही और जनता
के पास ही रहने वाली पार्टी और जनता के लिए ही काम करती। हम जनता से दूर होने वाले नहीं हैं। अगर हम जनता से दूर होते तो इतने बड़े कड़े और बड़े निर्णय के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मन रहा है तो गरीबों के बीच में फल बांटा जा रहा है और इनका कहना है कि तेजस्वी यादव जी हेलीकॉप्टर में केक करते हैं। पता नहीं मलाकार जी का क्या अथी है, क्वेश्चन भी वही करते हैं, जवाब भी वही देते हैं। कहते हैं कि तेजस्वी जी ये वहाँ चले जाते हैं। भाई तेजस्वी यादव जी विधानसभा लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी स्पाइनल में प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बावजूद भी जनता के मूलभूत कार्यों को लेकर के, जनता के हितों के लिए, जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार लोकसभा चुनाव में लगे रहे। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य लगातार जनता के हितों के लिए सदन में लड़ती रही और आवाज़ को बुलंद करती रही, तो फिर कैसे। और जैसा कि नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी जी भी बने हुए थे, शायद इनको जानकारी नहीं है। और जब जन्मदिन की बात आती है तो जन्मदिन जो है हमारे नेता घर पर मनाते हैं, ना कि हेलीकॉप्टर में मनाते हैं। तो वायरल हुआ वो विधानसभा लोकसभा चुनाव के दौरान समय की कमियां थी, जिसके कारण उन्होंने 200 रैली के ऊपर उन्होंने के काटा था, न कि जन्मदिन के ऊपर। शायद जानकारी नहीं है, जानकारी इकट्ठा कर ले। और रही बात ये जो जनता के बीच में कहते हैं कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य की और करप्शन की, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये अगर किसी सरकारी कार्यालय में जाए, अगर बिना पैसा का अगर इनका काम हो जाता है, तो मैं मानूंगा कि सही में बिहार में राम राज्य है। बिहार में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट देखा जाए तो लालू राबड़ी जी के कार्यकाल से बहुत ज्यादा अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार हो रही है, घुसखोरी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप थाने में जाइएगा तो आपकी आवेदन नहीं ली जाएगी, जब रोड पर छिनताई हो जाती है आपकी बाइक छीन ली जाएगी, इन्हीं की अगर बाइक छीन ली जाएगी तो इनका FIR नहीं होगा थाना में। तो ये दूसरे को क्या प्रवचन देते हैं पता नहीं। ऐसे ऐसे कई मामले आए हैं जो हम लोग इसका देखे हैं और अपने स्तर से इसको देखने का काम किए हैं। क्या कहेंगे वीरेंद्र जी? अभी तो राजनीति का परिदृश्य ही बदल गया है। सोना के थाली में चांदी के चम्मच से दूध भात खाने वाले लोग जात के आधार पर और पार्टी के आधार पर चुनाव से वंचित होकर राजघराना के लोग अब नेता बन रहे हैं। जिसने कभी जमीनी स्तर पर न गांव को घूम के देखा, न गरीब को देखा, न जमीन जो आपको भित्ती का मकान देखा, न ईंट का मकान देखा, कोई हेलीकॉप्टर देख रहा है, कोई चार्टर प्लेन देख रहा है। यही तो राजनीति का विरक्तिकरण है और राजनीति नीचे हरास हो रहा है और आम जनता का विश्वास ऐसे लोगों से उठता जा रहा है। राजनीति में इस तरह का खेल यदि चलता रहा तो आम आदमी का विश्वास समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, तो राजनीति में अगर इस तरह से खेल चलता रहा, वीरेंद्र राय का कहना है, तो आम लोगों का जो है विश्वास उठ जाएगा। और देखिए कि देश में जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होना है। हालांकि कैबिनेट से मंजूरी मिली है, लेकिन बता दें कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विपक्ष का जहाँ तक बात है तो विपक्ष इसका अभी लगातार विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि लोकसभा में क्या विपक्ष साथ देंगे या फिर विरोध करेंगे और ये बिल कब तक पास हो पाएगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।